लोकसभा निर्वाचन 2019 में चुनाव आयोग की तमाम बंदिशों के बाद भी चुनाव प्रचार में विवादित टिप्पणी जारी है। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत नहीं मिली तो उन्हें खुले मंच से छिंदवाड़ा कलेक्टर को सीएम कमलनाथ का पिट्ठू बताते हुए कहा कि ए पिट्ठू कलेक्टर, तू सुन ले रे, तेरा क्या होगा, हमारे भी दिन आएंगे, तू ये तय कर ले रे। शिवराज के इस बयान के बाद सियासी पारा बढ़ गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय नाराज हो गए जब उन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। उन्होंने इसके बाद जनसभा संबोधित करते हुए कलेक्टर को खुली चुनौती दे दी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी नंथन शाह के प्रचार के लिए गुणमंडी से उमरेठ जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से छिंदवाड़ा कलेक्टर को सीएम कमलनाथ का पिट्ठू बताते हुए कहा, ए पिट्ठू कलेक्टर, सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे, तब तेरा क्या होगा। ये कुछ तो खोती है, एक तो बंगाल में सुना था हमने, ममता दीदी वो नहीं उतरने दे रही थी, ममता दीदी के बाद कमलनाथ दादा आ गए। अरे भाई, सत्ता को कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है जो खा जाओ, ये फेयर नहीं है। मैं व्यक्तिगत आलोचना कभी नहीं करता, लेकिन आज कई जगह से मैंने फोन करवाए, मेरे सचिव बाकी लोग, भाई 5 बजे यहां से उठ पाएंगे, 5:20 पे पहुंच जाएंगे, 5:30 नहीं, गुड़मंडी में नहीं बोले चले जाओ। मैंने कहा कैसे बोले जाओ, गुड़मंडी और बिना बोले जाओ ये तो हो नहीं सकता। मेरे बहन और भाई ठीक नहीं, मैं बाकी प्रदेश में भी घूमा, हर जगह 6 बजे के बाद सनसेट तक उतरे, ये अच्छी बात नहीं है। वहीं शिवराज ने मंच से सीएम कमलनाथ की ओर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दोगे तो कार से जाएंगे, कार से नहीं जाने दोगे तो पैदल जाऊंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला और कहा, वहां ममता दीदी नहीं उतरने देती और यहां कमलनाथ दादा नहीं उतरने देते। शिवराज ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, सरकारें तो बदलती रहती है। आज मुझे गुड़मंडी से हेलीकॉप्टर से ही उमरेठ जाना था, उमरेठ मुझे पहुंचना था 5:30 बजे, हेलीकॉप्टर से उतरना था, फरमान आ गया कलेक्टर का 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता, 5 बजे के बाद अगर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर उतरेगा नहीं। अब मुझे गुड़मंडी में जनता से बात करना है, बिना बात किए जाऊंगा नहीं। अरे जनता के दर पे आए हैं तो कुछ कह के जाएंगे, बात करके जाएंगे, और कमलनाथ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दोगे तो हम कार से जाएंगे, और कार भी नहीं उतरने दी तो पैदल जाएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा तो जाएंगे भाई, छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे हम भी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, हमने तो किसी का हेलीकॉप्टर उतरने से रोका नहीं है। शिवराज तो डर काहे का है, ये तो बता दो छिंदवाड़ा नहीं पहुंच जाए, ज्यादा भाषण नहीं दे दे, बीच में ही भगा दो। लेकिन सुन लो कमलनाथ, इस माटी का बेटा हूं मैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, अन्याय सहन नहीं करूंगा। ये कुछ तो खोती है, एक तो बंगाल में सुना था हमने, ममता दीदी वो नहीं उतरने दे रही थी, ममता दीदी के बाद कमलनाथ दादा आ गए। अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। कुल मिलाकर चुनाव की तारीख नजदीक आते ही शबे में चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, छिंदवाड़ा।